नमस्कार, मैं प्रवीण शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। आज की वीडियो उन सभी के लिए जो कहते हैं कि हमें बिल्कुल भी डांस करना नहीं आता। आज मैं आपको बताऊंगा 3 पॉइंट का एक यूनिक फॉर्मूला। जी हां, सिर्फ 3 पॉइंट का एक यूनिक फॉर्मूला जिसके बाद आपको 100% डांस आ जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि उससे हमारे चैनल की आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। कई हमारे व्यूअर कहते हैं कि हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आती, उसका कारण यही है कि बेल आइकन आप प्रेस नहीं करते हैं, तो उसको जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो इस पांव चलाने की यूनिक फॉर्मूले को हमने डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में। सबसे पहले पांव, फिर कमर, फिर पांव, पांव कमर पांव। सबसे पहले हाथ कमर पर रख लीजिए, एक पांव आगे एक पांव पीछे। पहले पीछे वाले पांव को चलाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पॉइंट तक पीछे वाले पांव को चलाएंगे। इसकी आपने थोड़ी देर प्रैक्टिस करनी है, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं। एक पांव आगे एक पांव पीछे, पीछे वाले पांव को चलाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपने थोड़ी देर इसी की प्रैक्टिस करनी है। जब आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाए तो उसके बाद फिर आपने कमर चलानी है। पहले पांव देखिए, 1 2, इसकी प्रैक्टिस करने के बाद इस पांव के साथ कमर चलाएंगे, 1 पांव के साथ कमर, 1 2, देखिए पांव के साथ कमर, 1 पांव उठाएंगे आराम से, फिर रखेंगे तो पांव के साथ कमर, 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले पांव फिर कमर, पहले पांव चलाया हमने 1 2, उसमें कमर नहीं चलाई क्योंकि हमने पहले प्रैक्टिस की पांव चलाने की। उसके बाद पांव के साथ हमने ऐड कर दिया कमर को, कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले सिर्फ पांव की प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद पांव के साथ कमर की प्रैक्टिस करनी है। जब ये दोनों प्रैक्टिस आपको हो जाए, आपको लगे कि आपका कॉन्फिडेंस हो गया इसके ऊपर, उसके बाद तीसरा पॉइंट ऐड करेंगे, पांव। मैंने फॉर्मूला बताया था, पांव कमर और पांव। जब तीसरा फॉर्मूला आएगा तो पांव सामने, देखिए कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, सामने की तरफ। अब हम चलाएंगे तीनों चीजें एक साथ। पहले चलाया था पांव, 1 2 3 4, इसके बाद कमर के साथ पांव, 1 2 3 4। अब तीनों चीजें ऐड कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, पांव कमर और पांव। 3 पॉइंट का फॉर्मूला, पांव कमर और पांव। पहले पांव, 1 2 3 4, फिर कमर के साथ, 1 2 3 4, फिर पांव कमर और पांव एक साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस फॉर्मूले से आप करेंगे तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आपका पांव चलने लगेगा, और अगर आपका एक बार ये पांव चल गया तो इस पांव के ऊपर बहुत सारे स्टेप्स बनते हैं। अगर आपको ये आ गया तो समझो कि आपको डांस आ गया। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए नमस्कार।